नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली शराब नीति केस, सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज। हाईकोर्ट ने कहा वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे मनीष। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति केस में मंगलवार को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। सीबीआई के भ्रष्टाचार मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि सिसोदिया एक पावरफुल इंसान है और वे बाहर आएंगे तो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस दिनेश शर्मा ने कहा कि सिसोदिया पर आरोप है कि दिल्ली की शराब नीति साउथ ग्रुप के इशारे पर उन्होंने अनुचित लाभ लेने के इरादे से बनाई थी। यह बेहद गंभीर मामला है। कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया एक प्रभावशाली व्यक्ति है और जमानत पर रिहा होने पर गवाहों को प्रभावित किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सीबीआई ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम रह चुके हैं और उनके पास 18 विभाग थे। ऑफिस और नौकरशाहों पर सिसोदिया का प्रभाव और दबदबा स्पष्ट है। इतना ही नहीं, ऊंचे पदों पर बैठे उनकी पार्टी के सहयोगी जांच को प्रभावित करने के लिए गलत दावे कर रहे हैं। वे यह भी कह रहे हैं कि सिसोदिया राजनीतिक बदले का शिकार हुए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। चार धाम यात्रा के हेलीकॉप्टर पायलट को ट्रेनिंग मिलेगी। पहाड़ी इलाकों के लिए डीजीसीए की गाइडलाइन। पिछले साल दुर्घटना में गई थी 7 की जान। जी हां दोस्तों, चारों धाम यात्रा के दौरान हुई दुर्घटनाओं को देखते हुए नागर विमानन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए हिमाचल क्षेत्र में हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले पायलटों को अलग से ट्रेनिंग देगी। इस सीजन से चार धाम यात्रा के दौरान 10,000 फीट की ऊंचाई पर बने हेलीपैड पर यात्रियों को लाने ले जाने वाले पायलटों के लिए एक जाँच शुरू की थी। इस जाँच इस बात का पता लगाया गया कि हेलीकॉप्टर यात्रा को कैसे ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सकता है। दोस्तों, पिछले साल अक्टूबर में केदारनाथ में श्रद्धालुओं को ले जा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। हादसे में एक पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे की वजह खराब मौसम और कोहरा बताया गया था। घने कोहरे की वजह से हेलीकॉप्टर जमीन से टकरा गया था। इसके बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई थी। वहीं दोस्तों, इस साल अप्रैल में उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसर हेलीकॉप्टर के टेल रोटर की चपेट में आ गए थे। रोटर की ब्लेड से गर्दन कट जाने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। साथ से की जांच के आदेश डीजीसीए ने दिए थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मेडल बहाने के लिए हरिद्वार में गंगा किनारे बैठे पहलवान, मनाने पहुंचे राकेश टिकैत। जी हां दोस्तों, कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे पहलवानों ने दावा किया है कि वह अपने मेडल गंगा में बहाने जा रहे हैं। इसके लिए वह हरिद्वार में हर की पौड़ी पहुंच चुके हैं। उन्हें मनाने के लिए किसान नेता नरेश टिकैत भी हरिद्वार पहुंच गए हैं। इससे पहले दोस्तों, पहलवान बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा था कि वह मेडल को गंगा में बहाने जा रहे हैं, क्योंकि जितना पवित्र गंगा को माना जाता है उतनी ही पवित्रता से मेहनत कर उन्होंने मेडल हासिल किए थे। गंगा में मेडल बहाने के बाद रेसलर्स दिल्ली में स्थित इंडिया गेट पर आमरण अनशन भी करेंगे। खबर लिखे जाने तक पहलवान गंगा किनारे बैठे हुए थे और उन्हें मनाने के लिए राकेश टिकैत भी हरिद्वार पहुंचने वाले थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मणिपुर हिंसा, चानू समेत 11 खिलाड़ियों ने कहा मेडल लौटा देंगे, केंद्र से गुहार, शांति जल्द बहाल हो। सीडीएस बोले यह जातीय हिंसा, उग्रवाद नहीं। जी हां दोस्तों, मणिपुर में 3 मई से जारी हिंसा के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने मंगलवार को पुणे में कहा कि राज्य में हालात सामान्य होने में थोड़ा वक्त लगेगा। जनरल चौहान ने कहा कि राज्य में हिंसा 2 जातियों के बीच संघर्ष का परिणाम है और इसका उग्रवाद से कोई लेना देना नहीं है। यह कानून व्यवस्था का मामला है, हम राज्य सरकार की मदद कर रहे हैं। दोस्तों, 28 मई को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बताया था कि राज्य में हिंसा शुरू होने के बाद पुलिस एनकाउंटर में 40 लोग मारे गए हैं। सीएम ने इन्हें मिलिटेंट बताया था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि हिंसा में शामिल मिलिटेंट आम नागरिकों के खिलाफ M16 AK-47 असॉल्ट राइफलों और स्नाइपर गन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इधर दोस्तों, ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू सहित मणिपुर की 11 खेल हस्तियों ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राज्य में चल रहे संकट का समाधान खोजने का आग्रह किया है। इन लोगों ने चेतावनी दिए कि अगर राज्य में जल्द से जल्द शांति और सामान्य स्थिति बहाल नहीं की गई तो वे अपने अवार्ड और मेडल लौटा देंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नजदीक आ गई है तारीख, फ्री में अपडेट करा लें अपना आधार कार्ड वरना बाद में देने पड़ेंगे पैसे। जी हां दोस्तों, देश में आधार कार्ड हर नागरिक की पहचान के लिए एक अहम दस्तावेज है। हर प्रकार की सरकारी व अन्य सेवाओं में इस्तेमाल आने वाले आधार कार्ड में जरूरी बदलाव को लेकर UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया
एक खास सुविधा दे रहा है। दरअसल दोस्तों यूआईडीआई ने नागरिकों को अपने आधार कार्ड को मुफ्त में ऑनलाइन अपडेट कराने की अनुमति दी है। आमतौर पर आधार डिटेल अपडेट करने के लिए ₹50 का चार्ज देना होता है। हालांकि दोस्तों यह सुविधा सिर्फ 14 जून तक मिलेगी। यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए मुफ्त में आधार डिटेल अपडेट की जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तानी जेल में 26/11 हमले में शामिल आतंकी की मौत। लश्करे तैयबा का मेंबर था अब्दुल सलाम भुट्टावी, यूएन ने 2012 में घोषित किया था आतंकी। जी हां दोस्तों 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमलों की प्लानिंग में शामिल अब्दुल सलाम भुट्टावी की पाकिस्तान की जेल में हार्ट अटैक से मौत हो गई। वो टेरर फंडिंग के मामले में सजा काट रहा था। 2020 में उसे लश्करे तैयबा के सरगना हाफिज सैयद के बहनोई अब्दुल रहमान मक्की के साथ 16.5 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी भुट्टानी की मौत की पुष्टि की है। भुट्टावी की मौत सोमवार को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शेखपुरा जेल में हुई। मंगलवार को लाहौर में उसका अंतिम संस्कार हुआ। 2011 में अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने भी भुट्टावी पर आतंकी हमलों के लिए फंड जुटाने और उग्रवादियों की भर्ती करने के आरोप लगाते हुए उस पर पाबंदियां लगा दी थी। ट्रेजरी विभाग ने कहा था कि भुट्टावी ने अपने भाषणों और फतवे जारी कर आतंकवादियों को मुंबई पर हमले के लिए तैयार किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईपीएल 16 चैंपियन सीएसके को मिले 20 करोड़, हार के बावजूद जीते गुजरात के प्लेयर्स ने 9 में से 6 अवार्ड। जी हां दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 16वें सीजन को अपना चैंपियन मिल गया। चेन्नई सुपर किंग्स ने डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटन्स को हराकर 5वीं बार खिताब अपने नाम किया। सोमवार को रिजर्व डे पर अहमदाबाद में खेले गए फाइनल में सीएसके 5 विकेट से जीत गया। आखिरी 2 गेंदों पर रविंद्र जडेजा ने छक्का और चौका लगाकर टीम को जीत दिलाई। दोस्तों खिताब जीतने पर सीएसके को 20 करोड़ की प्राइज मनी मिली, जबकि रनर अप गुजरात टाइटंस ने 12.5 करोड़ रुपए जीते। तीसरे स्थान पर रही मुंबई इंडियंस को 7 और चौथे नंबर की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स को 6.5 करोड़ रुपए मिले। दोस्तों टूर्नामेंट में 9 में से 6 व्यक्तिगत अवार्ड भी गुजरात के नाम रहे। प्लेयर ऑफ द फाइनल डेवन कॉनवे को 5 लाख रुपए मिले। वहीं फाइनल हारने वाली गुजरात टाइटंस के 3 प्लेयर्स ने 9 में से 6 व्यक्तिगत अवार्ड जीते। सबसे ज्यादा 4 अवार्ड शुभमन गिल को मिले। अवार्ड के साथ उन्होंने 40 लाख रुपए की प्राइज मनी भी जीती। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 6 जून को लॉन्च होगी मिड साइज एसयूवी होंडा एलिवेट, 360 डिग्री कैमरा और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम जैसे फीचर्स, एक्सपेक्टेड प्राइस 11 लाख। जी हां दोस्तों होंडा कार्स इंडिया अगले महीने की 6 तारीख को ग्लोबल मार्केट के साथ भारत में मिड साइज एसयूवी होंडा एलिवेट को लॉन्च करेगी। इंडियन मार्केट में कंपनी की यह पहली मिड साइज एसयूवी होगी। कंपनी ने ऑफिशियल वेबसाइट में एसयूवी को टीज किया है, जिसमें लॉन्च डेट के बारे में जानकारी दी है। दोस्तों कंपनी ने अभी तक कार के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट में कार के बारे में कई जानकारियां सामने आई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, होंडा एलिवेट 17 इंच के ऑल ब्लैक अलॉय व्हील्स के साथ आएगी। गाड़ी में ड्यूल टोन पेंट स्कीम के साथ सिंगल पैन इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल सकता है। इसके साथ ही यह स्टाइलिश व्हील आर्क और बड़ी फ्रंट ग्रिल के साथ आ सकती है। दोस्तों इस कार की शुरुआती कीमत 11 लाख रुपए हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एयर इंडिया की गोवा दिल्ली फ्लाइट में क्रू मेंबर्स से मारपीट, पैसेंजर्स ने गालियां दी। आईजीआई एयरपोर्ट पर उतरने के बाद भी बदसलूकी की गई, गिरफ्तार। जी हां दोस्तों एयर इंडिया विमान में एक बार फिर क्रू मेंबर्स के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। एक पैसेंजर ने यात्रा के दौरान क्रू मेंबर्स के साथ मारपीट करते हुए गालियां दी। यह जानकारी एयर इंडिया के स्पोक पर्सन ने दी है। उन्होंने बताया कि यह घटना 29 मई की है। हमने इस पूरी घटना के बारे में डीजीसीए से शिकायत की है। कंपनी की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि 29 मई को फ्लाइट संख्या AI-882 गोवा से नई दिल्ली आ रही थी। इसमें सवार पैसेंजर ने अचानक क्रू मेंबर्स के साथ बदसलूकी शुरू कर दी। अब उसे रोकने की कोशिश की गई तो उसने मारपीट करना शुरू कर दिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद भी यात्री खराब व्यवहार कर रहा था। इसके बाद उसे सुरक्षा कर्मियों को सौंप दिया गया। हालांकि एयर इंडिया ने अपने बयान में यह नहीं बताया है कि पैसेंजर ने किस वजह से विवाद किया। घटना की जानकारी शिकायत डीजीसीए से की गई है, लेकिन पुलिस से नहीं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान की मुसीबतें नहीं हो रही है कम, लोन देने से पहले आईएमएफ ने रख दी फिर खतरनाक शर्त। जी हां दोस्तों अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने कर्ज मांग रहे पाकिस्तान के सामने एक और शर्त रख दी है। आईएमएफ ने सोमवार को पाकिस्तान से अपने राजनीतिक विवादों को सुलझाने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने $6.5 अरब के बेल आउट पैकेज को बहाल करने के लिए प्रबंधन निदेशक क्रिस्टीना जॉर्जिवा से संपर्क किया। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि शहबाज और जॉर्जिवा के बीच
चर्चा शनिवार को उस समय हुई जब वित्त मंत्रालय पिछले 4 महीनों के दौरान ऋण वार्ता को लेकर जारी गति रोध को दूर नहीं कर सका। शहबाज और जॉर्जिवा के बीच बातचीत होने के 2 दिन बाद पाकिस्तान में IMF मिशन प्रमुख नाथन पोर्टर ने एक असामान्य बयान दिया जिससे IMF का ध्यान राजनीतिक गतिविधियों पर बढ़ गया। उन्होंने कहा कि हम हालिया राजनीतिक घटनाक्रम पर ध्यान देते हैं और घरेलू राजनीति पर टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि संविधान और कानून के शासन के अनुरूप शांतिपूर्ण तरीका निकाला जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन ने अमेरिका से बातचीत बंद की, डिफेंस सेक्रेटरी के मुलाकात के नियुक्ति को ठुकराया। अमेरिका बोला चीनी सेना से बातचीत की कोशिशें जारी रहेगी। जी हां दोस्तों, चीन की सरकार ने अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात के नियुक्ति को ठुकरा दिया है। पेंटागन ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। अमेरिका ने चीन के डिफेंस सेक्रेटरी ली शांगफू को इस हफ्ते सिंगापुर में मुलाकात करने के लिए बुलाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन फरवरी में जासूसी गुब्बारे पर हुए विवाद के बाद से ही अमेरिका से बात नहीं कर रहा है। पेंटागन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट राइटर ने कहा है कि चीन के मिलिट्री डायलॉग में हिस्सा नहीं लेने के बावजूद हमारी चीनी सेना से बातचीत करने की कोशिश जारी रहेगी। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। शेयर बाजार में आज रही बढ़त, सेंसेक्स 122 अंकों की बढ़त के साथ 62,969 पर बंद, इसके 30 शेयरों में से 29 में तेजी। जी हां दोस्तों, मंगलवार को शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 122 अंकों की बढ़त के साथ 62,969 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 33 अंकों की तेजी रही, यह 18,633 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में तेजी और 11 में गिरावट देखने को मिली। दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर्स की बात की जाए तो टॉप गेनर्स में बजाज ऑटो, अडानी एंटरप्राइजेज और एयरटेल रहे, जबकि टॉप लूजर्स में अपोलो हॉस्पिटल्स, अडानी एंटरप्राइजेज और टाटा स्टील रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड प्राइस टुडे, आज घट गए सोने चांदी के दाम, जल्दी से जान लीजिए भाव। जी हां दोस्तों, सोने चांदी की खरीदारी करने वालों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों गिरावट के बाद आज सोना चांदी के दाम एक बार फिर घट गए हैं। दोस्तों देश में सोने चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट आई है। 24 कैरेट सोने की कीमत 30 रुपए यानी कि 0.05% घटकर 59,980 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत घटकर 54,940 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। वहीं दोस्तों आज चांदी भी सस्ती हुई है, चांदी की कीमत 0.71% यानी कि 500 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट के साथ 70,300 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फाइनल में मिली हार के बाद हार्दिक पांड्या के इस बयान ने जीता फैंस का दिल। जी हां दोस्तों, बारिश के कारण रिजर्व दिन पर खेले गए इस फाइनल का अंत किसी कहानी से कम नहीं था। जीत के लिए डकवर्थ लुईस प्रणाली के आधार पर चेन्नई को 15 ओवर में 172 रन का संशोधित लक्ष्य मिला। पासा पल पल पलटता रहा और मोहित शर्मा ने यॉर्कर की बौछार करके गुजरात की जीत पर लगभग मोहर लगा दी थी, लेकिन जडेजा के इरादे कुछ और थे। चेन्नई को आखिरी 2 गेंद पर 10 रन की जरूरत थी और 5वीं गेंद पर जडेजा ने लॉन्ग ऑफ पर छक्का डाला और फिर चौका लगाकर मुकाबला जीत लिया। दोस्तों इस जीत के बाद हार्दिक पांड्या से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हम एक टीम के रूप में बहुत सारे बॉक्स टिक करते हैं, हम बहुत दिल से खेलते हैं, जिस तरह से हम लड़ते रहे उस पर गर्व हमारा एक आदर्श वाक्य है। हम एक साथ जीतते हैं, हम एक साथ हारते हैं, मैं बहाना नहीं बनाने जा रहा हूं। CSK ने बेहतर क्रिकेट खेली, हमने वास्तव में अच्छी बल्लेबाजी की। शाही सुदर्शन को लेकर कहा कि इस स्तर पर इतना अच्छा खेलना आसान नहीं है, हम लड़कों का समर्थन कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उनसे सर्वश्रेष्ठ हासिल करें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गहलोत पायलट के बीच सुलह का फार्मूला, दोनों गुटों के नेताओं ने साधी चुप्पी, खड़गे के बयान का इंतजार। जी हां दोस्तों, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सुलह के फार्मूले पर दोनों गुटों के नेता मौन हैं। गहलोत सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से जब पूछा कि सुलह का फार्मूला क्या था और क्या सुलह में देरी नहीं हुई है, तो खाचरियावास ने कहा कि राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो फैसला किया है हम उसके साथ हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान मजबूत है, सही समय पर सही फैसला किया है। खाचरियावास ने कहा कि सुलह फार्मूला ऐसा ही है कि हम मिलकर सरकार बनाएंगे। CM अशोक गहलोत ने कहा कि सचिन पायलट की भूमिका क्या होगी यह आलाकमान को तय करना है, मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसको मैं पूरी कर रहा हूं। गहलोत बोले लोग उन्हें इस बार रिपीट करेंगे। गहलोत बोले कि उनको लगता है कि इस बार राजस्थान में सरकार रिपीट हो सकती है। इसके साथ ही गहलोत ने कहा कि हाईकमान के साथ मिलने के बाद कोई सहयोग क्यों नहीं करेगा, विश्वास देकर ही विश्वास जीता जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, युगांडा में अब समलैंगिक संबंध पर
पर मौत की सजा राष्ट्रपति ने दी। नए कानून को मंजूरी, LGBTQ दायरे से बाहर। जी हां दोस्तों, युगांडा के राष्ट्रपति ओवेरी मुसेवी ने एक नए कानून को मंजूरी दी है जिससे समलैंगिकता के लिए कई मामलों में मौत की सजा भी दी जा सकती है। पूर्व अफ्रीका के इस देश में कई लोगों ने इस सख्त नए समलैंगिकता विरोधी कानून का समर्थन किया है, लेकिन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और विदेशों में इसकी बड़ी आलोचना की गई है। बहरहाल, नए कानून में LGBTQ लोगों को किसी अपराध के दायरे में नहीं रखा गया है और कई लोगों के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय रहा है। इन लोगों ने मानवाधिकारों पर एक गंभीर हमले के रूप में कानून के पहले के मसौदे की निंदा की थी, जिसके बाद उसे वापस लिया गया था। बहरहाल, नया कानून अब भी गंभीर समलैंगिकता के लिए मौत की सजा का प्रावधान करता है। इसमें HIV से संक्रमित लोगों के साथ साथ नाबालिगों और समाज के दूसरे कमजोर वर्गों के लोगों के साथ यौन संबंध बनाना शामिल किया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, ताजमहल से भी ज्यादा मशहूर लंदन आई, इसे देखने आते हैं 35 लाख पर्यटक। मुंबई में भी ऐसा स्ट्रक्चर बनाने का है प्लान। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के चौथे सबसे बड़े जॉइंट व्हील लंदन आई को देखने 35 लाख से ज्यादा पर्यटक यूके आते हैं। इससे यूके सरकार हर साल करीब 600 करोड़ रुपए कमाती है। अब ऐसा ही एक टूरिस्ट स्पॉट भारत की आर्थिक राजधानी यानी कि मुंबई में बनाने का प्लान है। इससे भारत में भी पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और भारत को इससे मुनाफा भी होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, RBI ने जारी की एनुअल रिपोर्ट। 2023-24 में GDP ग्रोथ 6.5% रहने का है अनुमान। जी हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने 30 मई को अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक RBI ने वित्त वर्ष 2023-24 में GDP ग्रोथ 6.5% रहने के अनुमान को बरकरार रखा है। अपनी एनुअल रिपोर्ट में RBI ने कहा है कि देश में महंगाई का खतरा कम हुआ है। साल 2023-24 में महंगाई का अनुमान 5.2% पर बरकरार रखा गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पायलटों को 1 लाख एक्स्ट्रा सैलरी देगी गोफर्स्ट। नौकरी छोड़ने से रोकने के लिए रिटेंशन अलाउंस का ऑफर। फ्लाइट 4 मई तक हुई सस्पेंड। जी हां दोस्तों, मुश्किलों में फंसी गोफर्स्ट एयरलाइन ने अपने पायलटों को नौकरी छोड़ने से रोकने के लिए हर महीने 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा सैलरी देने का ऑफर दिया है। इसके साथ ही फर्स्ट ऑफिसर्स और को पायलट की सैलरी को 50,000 रुपए बढ़ाने का ऐलान किया गया है। एयरलाइन ने इस एक्स्ट्रा सैलरी देने के ऑफर को रिटेंशन अलाउंस नाम दिया है, जिसे 1 जून से लागू किया जाएगा। गोफर्स्ट ने अपने एम्प्लाइज को एक्स्ट्रा सैलरी देने का यह ऑफर ऐसे समय में दिया है जब 3 मई से उसकी सभी उड़ानें बंद है, जिसे आज एयरलाइन ने 30 मई से बढ़ाकर 4 जून तक कर दिया है। इसके साथ ही एयरलाइन दिवालिया कार्यवाही का भी सामना कर रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, गोफर्स्ट एयरलाइन ने एक्स्ट्रा सैलरी देने का यह ऑफर उन पायलटों को भी दिया है जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। कंपनी ने ऐसे एम्प्लॉइज को रिटेंशन अलाउंस के लिए 15 जून तक अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए भी कहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, दिल्ली पुराने किले से मिले 3000 साल पुरानी सभ्यता के निशान। G20 के देशों को दिखाने की है तैयारी। जी हां दोस्तों, दिल्ली के पुराने किले में पुरातत्व विभाग की खुदाई जारी है। बीते कई दिनों से हो रही खुदाई में अभी तक कई चौंकाने वाली चीजें मिली है। मंगलवार को पुराना किला में खुदाई के दौरान 3000 साल पहले की सभ्यता के निशान मिले हैं, जिसको अब G20 के देशों को भी दिखाने की तैयारी हो रही है। पुराने किले में पांडवकालीन शहर इंद्रप्रस्थ के क्या क्या निशान मिले हैं, साथ ही इन साइट पर पूर्व काल से लेकर मुगल काल तक का क्रमिक विकास कैसे हुआ है, इन सब को G20 के देशों को दिखाया जाएगा। दिल्ली के पुराने किले में जैसे जैसे खुदाई गहरी होती जा रही है, वैसे वैसे पांडव काल के इंद्रप्रस्थ नगर से लेकर आज के दिल्ली तक इंसानी सभ्यता के क्रमिक विकास का रहस्य भी खुलता जा रहा है। दोस्तों, खुदाई के दौरान पहली बार महाभारत कालीन ये मिट्टी के बर्तन पर पेटेंट ग्रेवेयर पाए गए हैं। यही नहीं, कई ऐसे शिवलिंग पाए गए हैं जिनमें ब्रह्मी लिपि में लिखा गया है। साथ ही सुंगकाल और राजपूत काल की दुर्लभ मूर्तियां भी यहां मिल रही हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बिकने वाली थी बिस्लेरी, टाटा से टूटी डील, अब जयंती चौहान का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, देश की सबसे बड़ी पैकेज्ड वाटर कंपनी बिस्लेरी इंटरनेशनल ने कोका कोला, पेप्सी, स्प्राइट जैसे कोल्ड ड्रिंक ब्रांड्स को टक्कर देने की तैयारी कर ली और इसके लिए उसने कार्बोनेट पेय पदार्थ के अपने पोर्टफोलियो का विस्तार किया है। मंगलवार को कंपनी ने अपने एक बयान में कहा कि पूरे भारत में गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है और कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। कंपनी ने 4 फ्लेवर में अपने ड्रिंक्स को बाजार में उतारा है। बिस्लेरी कंपनी ने जिन 4 फ्लेवर में कोल्ड ड्रिंक्स को लॉन्च किया है उनमें रेव, पाओ और स्पाइस जीरा सब ब्रांड शामिल है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पैकेज्ड वाटर के साथ बिस्लेरी पहले से ही अपने लिमोनाटा ब्रांड के तहत कार्बोनेट ड्रिंक्स बेचता है। कंपनी की कोशिश है कि कंज्यूमर को
फिज कोला, ऑरेंज लेमन और जीरा कैटेगरी के फ्लेवर टेस्ट इन कोल्ड ड्रिंक्स के जरिए मिल सकें। देश में कोल्ड ड्रिंक मार्केट बहुत बड़ा है और पहले से ही इस पर कोको कोला और पेप्सिको जैसी कंपनियां राज कर रही है। अब इसमें बिस्लेरी इंटरनेशनल का नाम भी जुड़ने वाला है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के लिए किस भारतीय ने पहला इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था? जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं उस खिलाड़ी का नाम जिसने कि व्यक्तिगत गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीता है भारत के लिए, तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।